अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मोहम्मद उसामा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको ISSB के बारे में बताऊंगा, लाइक उसका जो जितना भी टेन्योर होता है। आप पहले तो 5 दिन का होता था, अब इन्होंने 4 दिन का कर दिया हुआ है। तो उस 4 दिन में आप क्या क्या करेंगे, और ISSB में जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, आप किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप उसमें किस टाइप के आंसर करेंगे, या उस क्वेश्चन को, उस कंडीशंस को कैसे हैंडल आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं इस सब के बारे में बताऊंगा, सबके बारे में बताऊंगा। तो चूंकि आजकल PMA लॉन्ग कोर्स 145 स्टार्ट है, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चे हैं, जो लकी बच्चे हैं उन्होंने इनिशियल वगैरह क्लियर कर ली हैं और ISSB फॉर्म सबमिट भी करवा दिए हैं। तो होपफुली उनकी डेट इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। तो जो इसके इसके अलावा जो होपफुल हैं इंशाल्लाह के, वो ISSB फॉर्म सबमिट करवा देंगे, लाइक जिनका फिज़िकल, मेडिकल वगैरह, इंटरव्यू, इनिशियल इंटरव्यू वगैरह जो भी रहता है, तो वो इंशाल्लाह क्लियर करके, तो उनके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने ISSB फॉर्म सबमिट करवा दिए हैं। ठीक है, तो चूँकि पिछली वीडियो मेरी जो थी उसमें मैंने इनिशियल के बारे में सब कुछ बताया था कि लाइक किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनिशियल इंटरव्यू इंटरव्यू के बारे में, इनिशियल फिज़िकल के बारे में, इनिशियल मेडिकल के बारे में और इनिशियल टेस्ट के बारे में। अब ये मैं आपको ISSB के बारे में बताऊंगा। फिर आता है जी उससे अगला दिन, लाइक जिसे फर्स्ट डे कहते हैं रिपोर्टिंग डे के बाद। उस दिन साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट होते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट में सबसे पहले होता है, सबसे पहले जी होता है उर्दू इनकम्प्लीट सेंटेंस, ये 26 होते हैं, ठीक है, और 6 मिनट में आपने करने होते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ किस टाइप के आते हैं, लाइक ये एक ऐसे होते हैं जो कि मतलब इस टाइप के होते हैं जो जो कि आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं। लाइक जब उसने उसको देखा, आगे आपने कंप्लीट करना है सेंटेंसेस, और उसके बाद खौफ के मारे, फिर आ गया जी उसने अचानक, फिर आगे आपने कंप्लीट करने सेंटेंस है। तो ये इजी होते हैं, लेकिन ये चूंकि आपने वही लिखना है जो आपके माइंड में आता हो, कि लाइक जैसे खौफ के मारे, ठीक है, मेरे माइंड में आ रहा है खौफ के मारे जो दुश्मन था वो भाग गया, ठीक है, इस टाइप के, मतलब जिसमें आपने कोशिश करनी वो सेंटेंसेस देखे हैं जिसमें एक लेसन शो हो रहा हो, जिसमें एक पैशन शो हो रहा हो, मतलब एक स्ट्रगल, एक आपका जो मेरिट है ना, मतलब लाइक इसमें इस बच्चे में कुछ ना कुछ गट्स हैं, ठीक है, जो आपका मेरिट है वो शो हो रहा हो, आपने उस टाइप के सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। अब ये भी हो गया, उसके बाद फिर इसी तरह इंग्लिश का ही आता है इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, वो भी 26 होते हैं और आपने 6 मिनट में करने होते हैं, ठीक है, तो वो भी इसी टाइप के होते हैं, लाइक ऑल ऑफ सडन, मतलब अचानक से, फिर काश, आई विश, आगे आपने कंप्लीट सेंटेंस करना है, तो आई विश आई विल बिकम अ, जो भी आप बनना चाहते हो, एन आर्मी ऑफिसर, ठीक है, आप वो आगे लिखें जो आपकी विश है, ठीक है, ये भी हो गया। तो फिर उसके बाद दोबारा आपको उर्दू सेंटेंसेस सेम टू सेम यही होंगे, मतलब दो उर्दू उर्दू के सेंटेंसेस होंगे 26 26 के, और दो इंग्लिश के होंगे, ये बारी बारी आपको दिए जाएंगे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। फिर उसके बाद जी आपका आएगा वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसमें जी 100 वर्ड्स आपको स्क्रीन पे शो करवाए जाएंगे, जो कि वन बाय वन शो होंगे, ठीक है, लाइक एक वर्ड शो होगा स्क्रीन पे और आपने उस वर्ड को ना 10 सेकंड के लिए वो शो होगा, और आपने उसी 10 सेकंड के अंदर उस वर्ड को देख के ना जुमला बनाना है। लाइक आप वर्ड्स बिल्कुल आसान होते हैं, लाइक इट इज़ टू 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 सिंपल, ठीक है, आप इजीली जुमला बना सकते हैं। लाइक मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, लाइक किल का, ही किल्ड अ स्नेक, मतलब इस तरह के सिंपल सिंपल जुमले बनाएं, ठीक है, और कोशिश करें जो आपके माइंड में सबसे पहला जुमला आ रहा है ना वही लिखें, ठीक है, उसी से आपकी पर्सनैलिटी जज होनी है, और वही लोग यही चाहते हैं कि भाई आपकी पर्सनैलिटी जज हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये वैट का भी ख़त्म हुआ, फिर आ जाता है पिक्चर स्टोरी। पिक्चर स्टोरी में ये होता है भाई कि आप लोगों को ना स्क्रीन के ऊपर ना एक पिक्चर शो करवाई जाएगी, ठीक है, और उस पिक्चर ब्लैक एंड वाइट होगी और वो इतनी क्लियर नहीं होगी, लाइक बिल्कुल धुंधली नज़र आ रही होगी, और आपने उस पिक्चर को देखते हुए एक स्टोरी बनानी है। तो स्टोरी जो पिक्चर है ना उसके थोड़े से लेट हो, और ऐसी स्टोरी हो जिसमें एक नतीजा निकल रहा हो, लाइक एक स्टार्ट लें और आप एक एंड पे लेके जाएं, नतीजा निकले, ठीक है। लाइक मेरी दफ़ा जो आई हुई थी वो थी कि एक जो लड़का है ना वो किश्ती में जा रहा है, ठीक है, एक दरिया है, किश्ती में जा रहा है, तो जो मैंने बनाई थी
वो ये थी कि भाई ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक स्टूडेंट है काफ़ी, तो ये अपने स्कूल से आ रहा था, ठीक है, इसने देखा एक बच्चा डूब रहा है वगैरह, तो इसने कश्ती वहाँ पर खड़ी थी, इसने कश्ती पकड़ी और बच्चे को बचाने चला गया, और एंड पे उसने बच्चे को बचा के अपने आप को खुद वो सेटिस्फाई हुआ ये एक अच्छा काम करके, ठीक है। फिर इसी तरह एक और थी कि भाई एक आदमी है वो रस्सी से पकड़ के कुएं में वो मतलब लटक कर है, ठीक है। तो मैंने बनाई थी भाई कि ये आदमी है, रेस्क्यू का मेम्बर है, ठीक है, तो इसने ना किसी की जान बचानी है, ठीक है, तो कोई बच्चा छोटा सा बच्चा वो कुएं में गिर गया, तो वो लटक के आया, उसने उसकी जान बचाई है, तो ये उसका फ़र्ज़ था, उसने उसकी जान बचाई है और वो खुद बहुत खुश हुआ ये देख के, ठीक है। उसके बाद एक और आई थी कि एक आदमी है वो एक औरत को ना खंजर के साथ ऐसे मार रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया कि भाई एक पुराने ज़माने की बात है, एक डॉक्टर था, एक बहुत मशहूर था अपने अपने इलाके में, बहुत मशहूर था, इसने एक औरत का ऑपरेशन किया और वो ऑपरेशन सक्सेसफुली कामयाब हो गया और इस तरह उस औरत की जान बच गई, ठीक है। ये स्टोरीज थी इस टाइप की, मतलब आप स्टोरीज बनाएं जिसमें एक नतीजा निकल रहा हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपने वो लिखने हैं जो एक्चुअली आप में हैं, लाइक अपने से नहीं लिखने, मतलब जो आपके उस वक्त जहन में आ रहे हैं किसी से कॉपी करके या किसी और का देख के किसी से पूछ के, वो नहीं लिखने, जो आप में आज एक्चुअली हैं। लाइक अब मैं थोड़ा हेल्दी था तो मैं वाकई ये सच है मैं थोड़ा सा खाता था, ठीक है, तो मैंने भी लिखा था मैं मतलब थोड़ा आई ईट अ लिटिल बिट मोर, ठीक है। उसके बाद मैं नमाज नहीं इतनी पढ़ता था, मैंने ये भी लिखा था, मतलब जो एक्चुअली आप में है, ठीक है। या मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाता था, एक्चुअली रेगुलर नहीं था, जाता था लेकिन रेगुलर नहीं था, ये भी आप लिखें, ठीक है। और मेरिट्स और डीमेरिट्स आप मतलब इन्हीं को देख के ना, आपने वो जो पिछले पैट है ना वही सेंटेंसेस इन्हीं को देख के बनाने हैं। लाइक अब मैंने कहा हुआ था कि भाई मैं ना ज़्यादा खाता हूँ, ठीक है, अब वहाँ पर आया था हॉट का जुमला ना, HOT हॉट, तो मैंने बनाया कि भाई दी फूड वॉज हॉट, मतलब उससे इंटरप्लेट कर रहा था वो, इससे ये कि क्वालिटी एक जज ये होती है कि भाई बच्चा सच बोल रहा है, ठीक है, और इसमें वाकई वो क्वालिटीज़ हैं जो इसने बताई हैं हमें, या डिसक्वालिटीज़ हैं जो इसने एक्चुअली हमें बताई हैं, ठीक है, तो एक इससे ये चीज़ जज होती है। ये जी हो गए साइकोलॉजिस्ट टेस्ट, यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब चूँकि डेज कम हो गए हैं तो कुछ बच्चे होंगे जिनका शाम को इंटरव्यू हो जाएगा, कुछ का मतलब डिप्टी प्रेसिडेंट का होगा, कुछ का साइकोलॉजिस्ट का होगा, हमारा डिप्टी प्रेसिडेंट का हुआ था, तो उसका मैं इंटरव्यू आपसे शेयर करता हूँ। वो सिंपल आपके ना पर्सनली थोड़े से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जो डिप्टी प्रेसिडेंट है सबसे पहले वो पर्सनली पूछता है कि भाई आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, मैट्रिक कहाँ से किया था, क्या क्या आपको अच्छी चीज़ें लगती हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स कौन सी खेलते हो, हॉबी क्या है, ये वगैरह सब कुछ, ठीक है। चूंकि उसके पास वो फॉर्म ऑलरेडी जो आपने फिल किया वो पड़ा होता है, फिर भी वो आपसे पूछता है ये क्वेश्चन, ये जज करने के लिए कि वाकई जो इसने इधर लिखा है वो सही लिखा है, और अपने फेस एक्सप्रेशन जो है ना वो बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं शो करवाना है, बिल्कुल नेचुरल रखना है, सिंपल आम सी बात करनी है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ, आप मेरे बैठ के जैसे आप दोस्तों में करते हैं, ठीक है, अब बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद वो आता है आस्ता आस्ता मैथ्स में आता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में, लाइक वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, स्पीड रिलेटेड पूछता है, ठीक है। उसके बाद स्पीड से रिलेटेड, एक्स से रिलेटेड सिंपल सिंपल क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 इसका एवरेज क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये बिल्कुल सिंपल होते हैं, जिन्होंने मतलब मैथमेटिक्स पढ़ी उनके लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल सिंपल होते हैं। लाइक मुझसे उसने पूछा था भाई कि जो 17 अंडे हैं वो 18 रुपये के हैं, ठीक है, तो नहीं 18 अंडे 17 रुपये के हैं, ठीक है, तो 3 दर्जन अंडे कितने रुपए के होंगे, तो इस तरह मतलब वो 18 अंडे जो 17 रुपये के हैं, 3 दर्जन होते हैं भी 36, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, और इसी तरह हमने 17 को 2 से मल्टीप्लाई करना 34 इसका आंसर था। तो इसी तरह वो एक गाड़ी जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है, तो आप बताएं भाई 2 मिनट में वो कितना करेगी, तो देखें ना आप 90 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, मतलब वो 1 मिनट में करी है 1.5 किलोमीटर, ठीक है, जो सफ़र तय करी है वो 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर करी है, तो 2 मिनट में कितना करेगी, 3, इसका सिंपल जवाब है 3 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह के मतलब सिंपल ही होते हैं, ठीक है, आप इजीली वो कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं भाई जनरल नॉलेज के बारे में, थोड़ा सा पूछता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पूछता है कि भाई पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा पूछते, लाइक पाकिस्तान का झंडा किसने तमीर किया था,
ठीक है, पाकिस्तान को बनाने में सबसे पहले मतलब किसने तजवीज़ दी थी, और फिर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के बारे में पूछता कि आजकल कैसे जा रहे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान का जो मुहल्ले वकूअ है, ठीक है, उसके बारे में पूछता है, पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, ये डिप्टी प्रेसिडेंट पूछता है, ठीक है, ये डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू था। तो पाकिस्तान के जो पहाड़ वगैरह वो भी आप करके जाएँ, पाकिस्तान में जो मोटरवेज हैं वो भी करके जाएँ, कि M2 कहाँ से गुजरती है, M1 कहाँ से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद वो पूछता है जी, ये भी हो गया, फिर वो आता है आपकी हॉबीज़ के बारे में, ठीक है, कि भाई आप क्या करते हो। मैंने तो लिखा मैं बुक रीडिंग करता हूँ, उसने पूछा भाई कौन सी बुक्स पढ़ते हो वगैरह, कब पढ़ते हो, उसका थीम बताओ बुक्स का, कि भाई उसमें क्या लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद वो पूछता है आपकी स्पोर्ट्स के बारे में, कि भाई आप कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो। मैंने फ़ुटबॉल का, कहते यार तुम फुटबॉल खेलते हो लगता तो नहीं है। मैंने कहा सर मैं फुटबॉल को लाइक करता हूँ काफ़ी। फिर उसने पूछा मुझे फुटबॉल का वज़न कितना होता है, फुटबॉल का जो टूर्नामेंट था वर्ल्ड कप जो था वो किसने जीता था, औरतों का जो वर्ल्ड कप था वो किसने जीता था, वुमेन टीम्स का जो वर्ल्ड कप था वो किसने जीता था। फिर आपको मतलब जो भी आप स्पोर्ट्स बताओ ना उसके बारे में आपको A to Z सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। फिर एंड पे वो जो पूछता है वो थोड़ी सी कंडीशंस रखता है, ठीक है, कंडीशंस में ये रखता है कि भाई जो उसने रखी थी, भाई आप सेकंड लेफ्टिनेंट हो, आपके अंडर 90 बंदे हैं, ठीक है, आप LOC पे जंग हो रही है, आप लड़ रहे हो, ठीक है, LOC पे जंग हो रही है, और वहाँ से एक गोला आता है आपके ना, 10 बंदे मर जाते हैं उससे, ठीक है, लेकिन पीछे से ऑर्डर है कि आपने फायर नहीं खोलना, तो आप क्या करोगे। मैंने कहा सर मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर लूँ, ठीक है, और डिफेंस करने की कोशिश करूँगा, और महफूज मकाम की तलाश की कोशिश करूँगा ताकि हमारे जो बंदे हैं वो बच सकें। कहता है एक और आई है तो फिर आप क्या करोगे, फिर 10 बंदे मर गए, आपके सामने दुश्मन है, क्या करोगे। मैंने कहा सर मैं हालात का तकाजा लगाते हुए मैं फायर खोल दूंगा। कहता है यार खुदा के बंदे आपका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, आप क्या करोगे यार, आप तो ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करोगे। मैंने कहा सर मेरे कोर्ट मार्शल की वजह से अगर मेरा मुल्क बचता है तो मैं करने को तैयार हूँ। तो कहता कि ठीक है, कहता ज़बरदस्त यार। फिर उसके बाद इसी तरह की वो कंडीशंस वगैरह रखता है, ठीक है, फिर कंडीशंस रखने के बाद फिर वो नेगेटिव क्वेश्चंस काफ़ी पूछता है। तो मैं नेगेटिव क्वेश्चंस यहाँ पे बता तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये इतना कह देता हूँ कि बी नॉर्मल, बिल्कुल जैसा आप हैं वैसे ही कह दें, कोई मसला नहीं है। अगर वो नेगेटिव क्वेश्चन भी करता है ना तो शर्माने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल उसी तरह